Hi, welcome back to the channel. This is Indrasis and I hope you all are doing absolutely great. So basically mera all tour purpose related everything setup hai aur mere hisab se ye video shayad mujhe edit karne ka time nahi milega. So basically after my tour aap logo ko ye video dekhne ko milega. So mere video kuch is tarah se shuru hone wala hai कि मेरा पहले जो हेलमेट था वो था एरॉन का. उसके बाद मैंने उसको अपग्रेड किया एक्सोर के हेलमेट में. और बेसिकली आज का वीडियो हेलमेट के ऊपर ही होगा. एंड यस, सेफ्टी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. तो बेसिकली मैं जो किया हूँ, मैं और एक हेलमेट लिया हूँ जो मैं अपने टूर में लेके जाने वाला हूँ मेरे साथ ही. और वो है, अच्छा उसके बारे में मैं तो बाद में आता हूँ. उसके पहले एक चीज़, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो नीचे का लाल बटन दबा के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. एंड यस, इसके पहले वाला जो मैंने अपग्रेड किया हूँ मेरा हेलमेट, वो है मेरा एक्सोर का हेलमेट. और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं. तो बेसिकली ये है मेरा वो हेलमेट, पुराना वाला मतलब नया अपग्रेडेड हेलमेट. एंड इसका टोटल रिव्यू मैंने अपने चैनल पे डाल दिया हूं, ऊपर आई बटन में आएगा, आप वहां से देख सकते हैं. तो उसके साथ ही मेरा सेकंड न्यू हेलमेट ये है और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत वाला हेलमेट है. एंड चलिए एक छोटा सा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसका. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका जो कवर है ये एकदम ब्राइट रेड में आता है. एंड यस, इट लुक्स वेरी प्रीमियम, द कवर इज टू गुड. और ये है मेरा नया हेलमेट. यस, दिस इज़ द न्यू हेलमेट दैट आई हैव परचेज्ड. एंड ये है मेरा THH का हेलमेट. इसका ब्रांडिंग बहुत ही अच्छा है, ये डॉट सर्टिफाइड हेलमेट है. एंड यस, सर्टिफिकेशन में ये कुछ कम नहीं है. इसका जो फैब्रिकेशन है ये बहुत ही खूबसूरत है और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है. इसका अंदर का पैडिंग देखिए, अंदर का पैडिंग इज़ ऑसम. उसके साथ ही आपको यहाँ पर डी लॉक मिलता है. डी लॉक के साथ आपको नॉर्मल लॉक जो होता है वो भी आपको मिलता है. सो बेसिकली यहाँ पर टू सेफ्टी फीचर्स आपको दिया हुआ है. एंड THH इज़ अ क्वाइट ब्रांडेड हेलमेट. और पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि यस, मैं टूर्स एंड ट्रैवल रिलेटेड, कार्स एंड बाइक रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ. तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए इसका रिव्यू हम लोग शुरू करते हैं. पहला है ये ग्लास है, टिंटेड ग्लास. ये देखिए, ये ग्लास है टिंटेड. ये है एक टिंटेड वाला ग्लास. एंड यहाँ पर आपको टू ईयर वेंट्स मिल जाता है जो आप यहाँ से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं. एंड यस, दिस इज़ द वाइज़र लॉक. आप यहाँ से वाइज़र को लॉक कर सकते हैं. तो अगर आप यहाँ से इसको उठा के लॉक कर दिए तो आपका वाइज़र नहीं खुलेगा. एंड यस, इसका वाइज़र कुछ इस तरह से खोलता है. इसको आप यहाँ से इस तरह से बंद कर सकते हैं, फिर इसको आप यहाँ से इस तरह से लॉक कर देंगे तो ये वाइज़र नहीं ओपन होगा. उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक और वेंट मिलता है और ये वेंट देखिए, ये वेंट का इंजीनियरिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एंड यस, ऊपर से आपको यहाँ पे इधर भी कुछ पोर्ट्स मिलता है, पर ये बेसिकली कुछ स्टाइलिंग के लिए है. एंड नॉर्मली आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ पर अपना एक्शन कैम माउंट करने में. अगर आप यहाँ पर एक्शन कैम माउंट करते हैं तो आपको यहाँ पर ये ओपन एंड क्लोज करने में आपको दिक्कत होगा. सो आगे का जो ईयर यहाँ से इनपुट हो रहा है वो इधर से निकलने का आपका वे है. सो बेसिकली
ये कुछ कार्बन फाइबर का बना हुआ है, ऊपर से इसका ग्राफिक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे पास एक ब्लू वाला हेलमेट है, सो मैंने सोचा कि एक रेड में जाऊँ, रेड एंड ब्लैक एंड वाइट, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड अभी आता है इसका फोमिंग में। के लिए अगर आप देखेंगे इसका फोमिंग बहुत ही अंदर वाला जो कुशन है ये बहुत ही अच्छा है, आपको इसको यूज़ करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। एंड इट लुक्स प्रीमियम फ्रॉम दिस एंड, एंड अंदर से बहुत ही ये नरम है, एंड ऊपर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये टोटली रिमूवेबल है, आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये बटन सिस्टम है, आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ बटन्स हैं, आप ये बटन्स खोल के इसको रिमूव कर सकते हैं। एंड ये इधर से इसको ये लॉक हो जाएगा, इधर से ये लॉक हो जाएगा। एंड अगर आप इसमें अपना कुछ भी इंस्टॉल करना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर अपना वी नेट फोन जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग आपको यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इस रेंज के हेलमेट में अगर आपको ये सब गैजेट्स फिट करने में मुश्किल होता है, तो आपको ये मतलब थोड़ा दिक्कत भरी हो सकता है। क्वालिटी वाइज हेलमेट बहुत ही अच्छा है, एक मिड रेंज वाला हेलमेट है। एंड यस, अगर आपको ये हेलमेट चाहिए तो आप नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड बेसिकली मुझे ये हेलमेट, इसका कॉस्टिंग पड़ा है 3K, और मैं मेरे हिसाब से आपको इस रेंज में एक डॉट सर्टिफाइड एंड एक ब्रांडेड ISI का एक ब्रांडिंग डॉट सर्टिफाइड CE सर्टिफाइड एक हेलमेट अगर मिलता है इस रेंज में तो अच्छा है। बेसिकली मुझे THH से कुछ खास लगाव नहीं है, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा एक्सोर वाला हेलमेट, पर क्या है एक मिड रेंज वाला हेलमेट यूज़ करने में आपको कुछ दिक्कत भी नहीं है। सो बेसिकली ये एक मेरा नॉर्मल सा हेलमेट होगा। एंड यस, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द हिट बटन, और ये हेलमेट चाहिए तो नीचे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अभी तक आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। ऑलवेज वेयर योर हेलमेट एंड सीट बेल्ट, ईट हेल्दी, स्टे फिट, ड्राइव केयरफुली एंड राइड सेफ टू राइड टुमारो। दिस इज इंद्रा से साइनिंग ऑफ, बाय बाय।